डियर स्टूडेंट्स असल कोर्स आपका है डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैं हूँ डॉक्टर मदीआाम और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी डिटेल से कवर किया था ट्रांसमिशन मीडिया Uh, के जो दो टाइप्स हैं उसमें से एक टाइप आपके पास है गाइडेड मीडिया जो कि वायर्ड मीडिया होता है और एक आपके पास है अनगाइडेड मीडिया जो कि वायरलेस मीडिया है पिछले लेक्चर में हमने काफी डिटेल के साथ वायर्ड मीडिया को कवर किया था और वायर्ड मीडिया में हम लोग फिजिकली कौन से केबल्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जिसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल था और को केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल और इन तीनों को हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था इनकी इनके डायग्राम को और इनके वर्किंग को और इनके एप्लीकेशंस को कैसे से हम कहा इनको यूज करते हैं आज हम ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट टू देखेंगे जो कि हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया या मीडिया यानी वायरलेस रेफरेंस बुक एज आपको पता है हम लोग फॉलो कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क फिफ्थ एडिशन है बहरोज फौरज़ान की तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में आज हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया वायरलेस मीडिया में हमारे पास थ्री मेजर जो है इसमें वो है जो हम यूज करते हैं वायरलेस मीडिया में एक हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स और इंफ्रा वेव्स अब ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं और क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है किन फ्रीक्वेंसीज़ पे ये काम करती हैं ये आज हम देखेंगे इस आज के लेक्चर में अनगाइडेड मीडिया के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि क्या है ये अनगाइडेड मीडियम क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसपोर्ट करेगा विदाउट फिजिकल कंडक्टर मतलब आपको अनगाइडेड मीडिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको किसी फिजिकल कंडक्टर यानी केबल या तार या वायर या किसी चीज की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो किस चीज से आप उसको ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर इसीलिए इसको हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन क्योंकि इसमें वायर्स इन्वॉल्व नहीं होती इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिग्नल्स को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं किसके ज़रिए फ्री स्पेस के ज़रिए और जाहिर है फ्री स्पेस है तो ये हर किसी के पास अवेलेबल है तो किसी जिसके पास भी कोई भी ऐसी डिवाइस हो जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो फ्री स्पेस से सिग्नल्स रिसीव करे तो वो सिग्नल्स रिसीव कर सकता है Uh, हम आगे दो फिगर्स देखेंगे जिसमें एक फिगर में बताया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जिसकी रेंज जो है वो थ्री किलो हर्ट से नाइन हंड्रेड टेरा हर्ट तक है और ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है और दूसरी पिक्चर में हम देखेंगे कि अनगाइडेड सिग्नल्स जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक किन तीन तरीकों से ट्रेवल कर सकती हैं या तो वो ग्राउंड प्रोपोगेशन होगी या वो स्काई प्रोपोगेशन होगी या वो एल यानी लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होगी पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये क्या चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसा है कि आपके पास जैसे अगर दुनिया है तो दुनिया के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बैंड है पूरा का पूरा जिस जो जिसमें एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज सपोज दिस इज अर्थ तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो ये स्पेक्ट्रम हम इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि अर्थ में लैंड के ऊपर जिस लैंड के ऊपर जो हिस्सा स्पेक्ट्रम का आ रहा होता है तो वो हिस्सा वो स्पेक्ट्रम का वो जगह वो लैंड यूज कर सकती है यानी जिस कंट्री के ऊपर जितना स्पेक्ट्रम जो बैंड आ रहा है वो कंट्री उस बैंड को यूटिलाइज कर सकती है ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है ये कहाँ से स्टार्ट होता है थ्री किलो हर्ट से स्टार्ट होता है नाइन हंड्रेड टेरा हर्ट तक ये जाता है इसमें से थ्री किलो हर्ट से लेके थ्री हंड्रेड गेगा हर्ट्स तक का जो स्पेक्ट्रम है वो लिमिटेड है रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के लिए और 300 के बाद से लेके 400 हंड्रेड तक का जो स्पेक्ट्रम है वो आ, जो है वो उसके लिए है इनफ्रेड वेव्स के लिए है और जो 400 से 900 हंड्रेड तक का ये हिस्सा है ये आपके पास है लाइट वेव्स के लिए हमारे पास वायरलेस मीडिया के प्रोपोगेशन के तीन तरीके हैं हमारे पास या ग्राउंड प्रोपोगेशन होगी या स्काई प्रोपोगेशन होगी या लाइन ऑफ साइट प्रोपोगशन होगी ग्राउंड प्रोपोगेशन हमारे पास उस केस में होगी जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ जिसमें हम ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट इज बिलो टू मेगा हर्ट्स उस केस में हम लोग ग्राउंड प्रोपोगेशन यूज करेंगे स्काई प्रोपोगेशन हमारे पास कब होगी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज टू मेगा हर्ट्स से लेके थर्टी मेगा हर्ट्स तक होगी तो हम लोग स्काई प्रोपोगेशन यूज करेंगे और लाइन ऑफ साइड प्रोपोगेशन हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जिसमें हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो अबव थर्टी मेगा हर्ट्स होगी तो उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट प्रॉपगेशन। अब तीनों को हम बारी-बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ग्राउंड प्रॉपगेशन क्या है? रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ़ द एटमॉस्फेयर हगिंग डी एर्थ। डीज़ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स इमेनेट इन ऑल डिरेक्शंस।

सिग्नल मतलब इट विल ट्रेवल हगिंग द अर्थ तो ये अर्थ के आयोन मतलब ये अर्थ के करीब तरीन जो है ये होता है और इसको इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है ग्राउंड प्रोपोगेशन है अब कितनी दूर तक ये सिग्नल ट्रेवल करेगा ये डिपेंड करता है कि इस सिग्नल की पावर कितनी है जितनी ज्यादा इस सिग्नल की पावर होगी उतनी दूर तक ये जो है ट्रैवल कर सकेगा और जितनी कम इसकी पावर होगी उतनी जितनी कम इसकी पावर होगी इतना कम डिस्टेंस जो है ये कवर कर पाएगा नेक्स्ट हमारे पास है स्काई प्रोपोगेशन ये क्या होती है इसमें हाई फ्रिक्वेंसी जब हम लोग टू मेगा से ऊपर और थर्टी मेगा हर्ट वेव्स तो फिर हम लोग यूज करते हैं स्काई प्रोपोगेशन हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स रेडिएट अपवर्ड इन टू दर हम लोग क्या करते हैं कि बूस्टर से हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को ऊपर आयोनोसफेयर की तरफ वो लेयर जो कि पार्टिकल्स लेटमोस्फेर पार्टिकल एक्ट जो अर्थ के ऊपर एक, एक होती है तो उसकी तरफ हम रेडिएट करते हैं क्या होता है टकरा उस, उस के रिफ्लेक्ट बैक होगी अर्थ की तरफ तो वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी इस तरह की ट्रांसमिशन में अः जो है हम लोग ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और फायदा ये होगा कि हमें लोअर आउटपुट पावर मतलब इतनी हमें पावर इसमें नहीं चाहिए होगी जैसे ये दो बूस्टर्स हैं, इसमें यहाँ से सिग्नल सिग्नल ने यहाँ से यहाँ जाना है ठीक है और हम आ, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो टू से थर्टी मेगा यूज कर रहे हैं तो जब ट्रांसमिशन होगी वो ऊपर आयन की तरफ होगी और आयन से फिर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी जहां पे ये बूस्टर इसको रिसीव कर लेगा तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम कहेंगे कि क्या है स्काई प्रोपोगेशन है लास्ट इसमें हमारे पास है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है यानी थर्टी मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता है ये स्ट्रेट लाइंस में आपने इसको ट्रांसमिट करना है डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना लाइन ऑफ साइट में ये शर्त है कि जो सेंडिंग होगा आपके पास जो भी ट्रांसमिटिंग डिवाइस होगा जो भी और रिसीविंग डिवाइस होगा दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए यानी दोनों को एक दूसरा नजर आए सेंडिंग को रिसीविंग नजर आए रिसीविंग को सेंडिंग नजर आए तो हम इस तो जब दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होंगे एक दूसरे को नजर आएंगे तभी जो है ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना तो स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम एंटीना टू एंटीना जो है ये ट्रांसमिशन जो है आ, होती है एंटीना जो है इसमें डायरेक्शनल होना चाहिए मतलब एक तरफ होना चाहिए दोनों एंटीनास का रुख एक दूसरे की तरफ होना चाहिए जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं आ, इतने टॉल हो आपके एंटीनास और इतने करीब हो आपके एंटीनास कि वो एक तो कर्वेचर ऑफ अर्थ से भी इफेक्टेड ना हो मतलब एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में रहें इतनी दूरी पे ना हो कि कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से ही वो एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में ना रहे लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन हिस्ट्री की बिकॉज रेडियो ट्रांसमिशन कैन नॉट बी कम्पलीटली फोकस्ड इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कर्वेचर का और कैलकुलेशंस का कि आप दूसरे डिवाइस तक किस तरह जो है वो अपना सिग्नल सेंड कर पाते हैं acha electromagnetic uh, spectrum uh, defined as radio waves and microwaves is divided into 8 ranges पूरे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको एट रेंजेस में डिवाइड किया गया है जिसको हम कहते हैं बैंड्स हर एक बैंड जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है और जैसे जिस कंट्री के ऊपर जो भी बैंड आ रहा है अगर वो किसी किसी कंट्री में या किसी जो जिसने भी इसको यूज करना है कंपनी ने कम्युनिकेशन के लिए वो बाकायदा अपने गवर्नमेंट की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से वो बैंड खरीदता है उसका या तो मंथली रेंट देता है या कोई हिसाब इस किस्म का होता है दीज बैंड आर आर रेटेड फ्रॉम वेरी लो फ्रिक्वेंसी टू एक्सट्रीम

एट uh, बैंड्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है जाहिर है जब जो सबसे कम पे है वो वेरी लो फ्रिक्वेंसी वी में आएगा और जो सबसे हाई पे है वो एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी ई पे आएगा अः देंजेस प्रोपोगेशन मेथड्स अच्छा ये अब इस टेबल में हमें रेंज भी बताई हुई है बैंड भी बताया हुआ है प्रोपोगेशन का तरीका भी बताया हुआ है कि ग्राउंड है स्काई है एल है क्या है और कहाँ ये अप्लाई होता है अच्छा पहली रेंज इन्होंने बनाई है थ्री से थर्टी किलो हर्ट्स की ये है वेरी लो फ्रीक्वेंसी की रेंज प्रोपोगेशन मेथड इसका ग्राउंड प्रोपोगेशन है और एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे है लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन जो है इसमें ये काम आता है अक्सर आपने नेवी में सेलिंग में और जो है मर्चेंट नेवी और इन चीजों में जो आपको कम्युनिकेशन की जरूरत होती है उसके लिए आप यूज करते हैं वो सॉरी उसके लिए आप यूज करते हैं वेरी लो फ्रिक्वेंसी और इसी में आप कम्युनिकेट कर पाते हैं तो ये हमारे पास यूज होता है लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन के लिए नेक्स्ट हमारे पास बैंड है एल की लो फ्रीक्वेंसी की इसकी रेंज हमारे पास है थर्टी किलो हर्ट से एक थ्री हंड्रेड किलोहर्ट्स तक ये भी ग्राउंड प्रोपोगेशन के लिए यूज होती है अम्म एप्लीकेशन के हाँ है जो रेडियो बीकन हैं उसमें इसको यूज करते हैं नेविगेशनल लोकेटर्स जैसे हम लोग नेविगेशन करते हैं ना किसी जगह को लोकेट करने के लिए उसमें भी हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं मिडिल फ्रीक्वेंसी एम एफ है थ्री हंड्रेड किलो हर्ट से लेके थ्री मेगा तक इसका प्रोपोगेशन का तरीका जो है वो स्काई है स्काई के थ्रू ये प्रोपोगेशन करता है यानी इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास ए एम रेडियो चैनल्स हैं वो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हैं हाई फ्रीक्वेंसी है इसके बाद एच एफ इसकी रेंज आपके पास थ्री मेगा हर्ट से लेके थर्टी मेगा हर्ट्स तक है प्रोपोगेशन मेथड इसका भी स्काई है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है सिटीजन बैंड शिप में या एयरक्राफ्ट में जो है वहां पे इसको यूज किया जाता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है थर्टी 30 से थ्री हंड्रेड मेगा हर्ट्स तक प्रोपोगेशन के इसके दो तरीके हैं ये स्काई से भी प्रोपोगेट होता है और एल ओ एस से भी प्रोपोगेट होता है कॉमन एप्लीकेशन इसका वी एच एफ टीवी या एफ एम रेडियो जो है ये इसके बहुत ज्यादा कॉमन एप्लीकेशन है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ जो है थ्री हंड्रेड मेगा हर्ट से लेकर थ्री मेगा हर्ट तक का जो स्पेक्ट्रम है ये कवर करता है

एलो एस प्रोपोगेशन है एप्लीकेशन इसकी रेडार्स में यूज होता है और सेटेलाइट में यूज होता है तो जो हमारे पास रेडियो वेव्स का और माइक्रोवेव्स का एक बैंड है वो हमारे पास यूज इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है इन एट बैंड्स के अंदर और इसको हम इस इस तरीके से यूज करते हैं ये इनकी रेंजेस हैं ये इनका प्रोपोगेशन मेथड है और ये इनकी एप्लीकेशंस हैं अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया को जब हम लोग यूज के हवाले से डिवाइड करते हैं तो थ्री ब्रॉड ग्रुप्स हैं रेडियो वेव्स हैं माइक्रोवेवस हैं और इंफ्रा वेव्स हैं अब इनको हम बारी बारी देख लेते हैं पहले हम रेडियो वेव्स की तरफ आते हैं Uh, कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि ये रेडियो वेव है और ये माइक्रोवेव है इनको इकट्ठे ही एक स्पेक्ट्रम का असाइन किया गया है जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज करती है कि थ्री किलो हर्ट से लेके वन गीगा हर्ट तक तो हम कहते हैं कि ये रेडियो वेव्स की कैटेगरी में आता है और वेव्स जिनकी रेंजेस होती हैं वन गीगा हर्ट से लेके थ्री हंड्रेड गेगा हर्ट्स तक तो हम कहते हैं कि ये माइक्रोवेव्स में आता है क्लासिफिकेशन uh, के लिए इनके बाई वेव अगर हम बिहेवियर देखें तो इस वो उस बाई वेव से इनकी से इनको क्लासिफाई करना ज्यादा आसान होगा रादर देन फ्रीक्वेंसीज रेडियो वेव्स जो है फॉर द मोस्ट पार्ट ओमनी डायरेक्शनल होती हैं ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये कि uh, सब तरफ इनका सिग्नल जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंटीना है और ये रेडियो वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेव्स नहीं भेजेगा बल्कि ये हर ओमनी uh, डायरेक्शनल है तो हर डायरेक्शन में इसकी जो वेव्स हैं वो इस तरीके से आप देखें कि हर डायरेक्शन में इसकी वेव्स जाएंगी वेन एन एंटीना ट्रांसमिट्स रेडियो वेव्स दे आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन हर डायरेक्शन में इसकी वेव्स जाएगी दिस द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग सिग्नल्स डू नॉट हैव टू बी अलाइन मतलब जो सेंडर है और इस रिसीवर है उनको अलाइन होना जरूरी नहीं है उनको लाइन ऑफ साइट में होना जरूरी नहीं है क्योंकि आपके पास हर डायरेक्शन में सिग्नल्स प्रोपोगेट कर रही हैं तो बस जो आपका डेस्टिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए और आपके फ्रीक्वेंसी के रेंज में होना चाहिए तो आपके डेस्टिनेशन तक आपका सिग्नल पहुंच जाएगा असेंडिंग एंटेना सेंड्स वेव्स दैट कैन बी रिसीव्ड बाय एनी रिसीविंग एंटेना ओमनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का एक डिसएडवांटेज एडवांटेज भी है कि आपको जो है लाइन ऑफ साइट में होने की जरूरत नहीं है डिसएडवांटेज भी है डिसडवाटेज ये है कि अगर एक एंटीना ने ट्रांसमिट किया किसी स्पेसिफिक एंटीना के लिए तो उस एरिया में अगर और है वो बड़े आराम से उस सिग्नल को कैच कर सकते हैं तो इससे हमारे पास क्या होगा इट इज ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस तो जो है क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पे या सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर किसी और एंटीना ने उसी एरिया में ट्यून इन किया हुआ है तो वो भी वो सिग्नल्स पकड़ सकता है तो ये इसका एक जो है डिसएडवांटेज है रेडियो पर्टुलरलीट प्रोपोगेट इन स्कई मोड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसिस वो जिनकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज ऐसी हो जो कि स्काई में मोड uh, में ट्रेवल कर रही है जाहिर है अगर हम कम्पेयर करेंगे ग्राउंड मोड के साथ वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है दिस मेक्स रेडियो अ गुड कैंडिडेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्टिंग सच एज एम रेडियो यही वजह है कि ए एम रेडियो और रेडियो कम्युनिकेशन और रेडियो चैनल जो है वो नॉर्मली रेडियो यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स पर्टिकुलरली दो ऑफ लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज़ कैन वॉल्स, वॉल्स को बड़े आराम से जो है ये पिनेट्रेट कर लेती हैं, पिनेट्रेट का मतलब ये है कि वॉल्स से बड़े आराम से ये गुजर के जा सकती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है डिपेंड करता है कि आप इसको यूज किस तरह कर सकते हैं एडवांटेज किस तरह से फॉर एग्जांपल एएम रेडियो जो है वो आप बिल्डिंग के किसी भी कमरे में बैठे हो आप रेडियो ट्यून इन करेंगे तो आप आराम से सिग्नल रिसीव करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी दीवारें खड़ी हो रही हैं या बिल्डिंग है बीच में या दीवार है या जो भी कुछ है अब डिसएडवांटेज क्या है कि हम कम्युनिकेशन को आइसोलेट नहीं कर सकते कि या तो ये सिर्फ बिल्डिंग के अंदर जाए या सिर्फ बिल्डिंग के बाहर रहे हम लोग इसको किसी जगह के लिए आइसोलेट नहीं कर सकते हैं मतलब वो फिर सबके लिए होगा जो भी ट्यून इन करेगा वो सुनेगा द रेडियो वेव बैंड इज रेलेटिवली नैरो जस्ट अंडर वन गीगा हर्ड कंपेयर टू माइक्रोवेव बैंड अब रेडियो वेव और माइक्रोवेव को अगर आपस में कंपेरिजन करें तो रेडियो वेव का कम है नैरो बैंड है और माइक्रोवेव का ज्यादा बैंड है वन गीगा हर्ट से ऊपर जितना भी है वो सारा माइक्रोवेव का है वन गीगा हर्ट से नीचे जितना भी है वो सारा रेडियो वेव का है वेन दिस बैंड इज डिवाइडेड इनटू सब बैंड्स ये सब bands are also narrow. अब एक बैंड है उसको मजदीद सब बैंड में क्यों डिवाइड करेंगे जैसे एक एक बैंड एक दूसरा स्टेशन को दे दिया एक तीसरा रेडियो स्टेशन को चैनल दे दिया पूरा बैंड नहीं दे सकते तो बैंड को फर्दर मजीद सब बैंड में जो है वो डिवाइड किया जाता है लीडिंग टू अ लो डाटा रेट फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंड को डिवाइड पर डिवाइड किए जा रहे हैं तो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए एक लो डाटा रेट हो जाता है ऑलमोस्ट द इंटायर बैंड इज रेगुलेटेड बाई अथॉरिटीज़ एफ सी सी जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में है या पी टी ए जिस तरह पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ हैं दुनिया के जिस हिस्से में होंगे उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी अथॉरिटीज से वो स्पेसिफिक बैंड यूज़ करने के लिए ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है ओमनी ओमनी रेडियो वेव्स यूज डायरेक्शनल एंटीनास दैट सेंड आउट सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताया अगर तो ये बूस्टर सिग्नल आपको ओमनी डायरेक्शनल एंटीना दे रहा है तो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है ये सिग्नल uh, भेज रहा है सिग्नल कैसे भेजता है ये चारों तरफ बेस्ड ऑन वेव लेंथ स्ट्रेंथ यानी सिग्नल की पावर क्या है पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस मकसद के लिए ट्रांसमिशन को भेजा जा रहा है वी कैन हैव सेवरल टाइप्स ऑफ है किस्म के जो है एंटनाज इस पर्पज के लिए हो सकते हैं एप्लीकेशन देख लेते हैं अब इसकी ओमनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेव्स मेक्स यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग जैसे रेडियो स्टेशन है ट्रांसमिटिंग चैनल एक होता है लेकिन उसके लिसनर्स जो है रिसीवर्स बहुत ज्यादा होते हैं जिनके पास घर में रेडियो स्टेशन है और वो अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम सुनना चाहते हैं रेडियो पे तो वो स्पेसिफिक टाइम पे उसी बैंड पे अपने रेडियो के जरिए ट्यून इन करते हैं तो so, मल्टीकास्टिंग uh, इसको कहते हैं कि एक सेंडर हो मल्टीपल रिसीवर रेडियो और टेलीविजन मेरी टाइम रेडियो होता है कॉर्डलेस जो हैं। पेजिंग ये सब हमारे पास मल्टीकास्टिंग के एग्जांपल्स रेडियो वेव्स जो है हमारे पास मल्टीकास्ट कम्युनिकेशंस में यूज होते हैं जैसे कि रेडियो टेलीविजन पेजिंग सिस्टम्स और इन सारी चीजों में यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है वन गिगर से लेकर

यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसका जाहिर ऑब्वियस एडवांटेज ये है कि आपके पास क्या नहीं होगी इंटरफेरेंस नहीं होगी क्योंकि uh, वो जो जो सेंडिंग एंटना है उसका रिसीविंग एंटेना की तरफ वो अलाइंड होगा और सिर्फ वही नेरोली उस बैंड को और उस फ्रिक्वेंसीज को रिसीव करेगा तो ये इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी अ अर ऑफ एंटेनास कैन बी अलाइंड विदाउट इंटरफेयरिंग विद अनदर पेयर ऑफ अलाइंस एंटेनास जैसे अगर दो एंटेनासें वापस में अलाइंड हैं दो और एंटे वापस में अलाइंड हैं तो वो अपने अपने उसमें चलती रहेंगी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं माइक्रोवेव प्रोपोगेशन की माइक्रोवेव प्रोपोगेशन जितनी भी होती है वो अब जाहिर है एंटीनास अलाइन होंगी इसका मतलब है ये लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन है मतलब एक दूसरे को नजर आनी चाहिए सेंडर और रिसीवर सिंस द टावर्स विच आर माउंटेड विद द माउंटेड एंटेनाज नीड टू बी इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर टावर्स फार अपार्ट नीड टू बी वेर अब अगर करीब हैं तो वो तो ठीक है एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में है वो हो पा रहा है लेकिन अगर दूर है अब एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होने के लिए क्या जरूरी है कि वो बहुत ही ऊंचे टावर्स हों तभी वो एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होंगे the curvature of ऑफ द अर्थ एज वेल एज अदर ब्लॉकिंग do डू नॉट अलाउ टू शॉर्ट टावर्स टू कम्युनिकेट using microwaves. अगर तो डिस्टेंस ज्यादा है और आप शॉर्ट टावर यूज करते हैं तो एक तो कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से उसका कुछ डिस्टेंस नीचे हो जाएगा और कुछ बीच में अगर बिल्डिंग्स आ गए या ऑब्स्टिकल्स आ गए कुछ उसकी वजह से तो कम्युनिकेशन जो है फिर नहीं हो पाएगी इस केस में रिपीटर्स आर रिपीटर्सर नीडेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अगर बहुत ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस है तो बीच में फिर हम क्या करते हैं कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करे या रिपीट करता जाए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेवस कैन नॉट पेनीट्रेट वॉल्स जो हमारे पास वेरी हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव है वो वॉल को पिनिट्रेट नहीं करती यही वजह है कि लाइन ऑफ साइट में रखना जरूरी है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वो तो उसको पेनीट्रेट नहीं कर पाएगा तो वो आपका सिग्नल जो है वो नहीं पहुंच पाएगा ये कैरेक्टरिस्टिक जो है अगर तो रिसीवर आपका बिल्डिंग के अंदर है तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है माइक्रोवेव बैंड जो है वो अगर हम रेडियो वेव बैंड के साथ कंपेयर करें तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा वाइड होता है क्योंकि वो कम ऑलमोस्ट 299 नाइन्टी का उसका जो है पूरा का पूरा बैंड है तो जाहिर है जब हम इसमें से फिर आपको बैंड असाइन करेंगे किसी को भी तो वो जरा वाइडर सब बैंड होंगे एज कम्पेयर टू रेडियो वेवस में हम लोगों ने बहुत नैरो नैरो सब नैरोस जो है वो चैनल्स को या जो भी जिनको भी चाहिए उनको असाइन किए हुए होते हैं तो जब हम लोग वाइडर सब बैंड असाइन करेंगे इसका मतलब है कि हाई डाटा रेट जो है वो पॉसिबल होगा जब हम नैरो सब नैरोड्स देंगे तो जाहिर है आपके पास लो डाटा रेट जाएगा अम um, अगेन इसका भी वही हिसाब है कि आपने अगर सर्टन पोर्शन बैंड का आपने यूज करना है तो आपने अथॉरिटीज से परमिशन लेनी है चाहे वो एफ हो चाहे वो पीटीए हो जो भी आपकी कंट्री की या एरिया की कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे आपने परमिशन लेके और फिर आप जो है इसको यूज कर सकते हैं यूनिडायरेक्शनल एंटीना जो है आ, वो माइक्रोवेव्स में हमारे पास चाहिए होती हैं जो कि सेंड करती हैं सिग्नल को एक डायरेक्शन में इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं एक पैराबोलिक डिश है और एक हॉर्न है तो ये दो टाइप के टू टाइप्स ऑफ एंटेना हैं जो कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं पहला जो आप देख रहे हैं इसको हम पैराबोलिक डिश एंटेना कहते हैं और दूसरा ये आप जो आप देख रहे हैं इसको हम हॉर्न एंटेना कहते हैं ये बाई थियरी देख लेते हैं कि ये क्या है पैराबोलिक डिश एंटना जो है इट इज बेस्ड ऑन द जियोमेट्री ऑफ अ पैराबोला आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पैराबोला के जियोमेट्री पे बना है एवरी लाइन पैरल टू द लाइन ऑफ दिमेट्री एलो इंटरसेमन पॉइंट कॉल्ड दारी जो लाइन्स हैं जो भी इसमें सिग्नल आ रहे हैं वो पैराबोला से इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे कि वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होंगे और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे फोकस कहेंगे them डिश a फनल कैचिंग काम इसका क्या है कि हर तरफ से वेव्स को कैच करता है कॉमन चीज पे लाके इंटरसेक्ट करता है और एक कॉमन डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचाता है इन दिस वे मोर ऑफ द सिग्नल इज रिकवर्ड देन वुड बी पॉसिबल विद सिंगल पॉइंट रिसीवर Outgoing transmissions are आर ब्रॉडकास्ट थ्रू horn एम्ड एट द डिश Uh, हॉर्न का भी, भी हम देख लेते हैं कि क्या है जो है वो इस डिश को हिट करेंगी और deflect होंगी outward में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये इस तरह से आ रही है तो ये डिफ्लेक्ट भी होंगी फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में इन रिवर्सल ऑफ द रिसिड पाथ और अब हॉर्न एंटीना क्या है हॉर्न एंटीला लुक्स लाइक अ अगेंटिक स्कूप एक स्कूप की तरह मतलब एक चम्मच की तरह जो है आपको नजर आएगा ऑन गोइंग ट्रांसमिशन आर ब्रॉडकास्ट अपलिंग आउटवर्ड इनरोल्स बाई करहा आपको वेव्स आ रही होती है नीचे से और जो ये हॉर्न uh, का हिस्सा है ये वाला यहां से आके ये वेव्स डिफ्लेक्ट होके फिर इस डायरेक्शन में जाती है

तो ये जो दो एंटेनास हैं ये हमारे पास माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं एप्लीकेशन देख लेते हैं इनकी यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करें यानी वन टू वन कम्युनिकेशन करें हम लोगों ने जब रेडियो वेव देखा उसमें हमने देखा कि वो हमारे पास किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल है जो कि आपके पास मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन हो यानी वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो और ये जो आपके पास माइक्रोवेव है, है ये आपके पास यूनिकास्ट के लिए ज्यादा बेहतर है ये सेलुलर फोन्स में मोबाइल फोन में सेटेलाइट नेटवर्क

वेवलेंथ उतनी कम होगी तो वो आपको सिंपल एक फिजिक्स का आपको याद होगा कि वी इक्वल्स टू एफ लैमडा होता है यानी अगर मतलब वेलोसिटी आपके पास फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है और अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी और इसका रिलेशन आपस में देखें लैमडा का वेवलेंथ का और उसका हम लोग रिलेशन आपस में देखें सिंस जैसे अगर ये यह यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इट मीनस हम इस तरह कह सकते हैं कि V by lambda मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जितनी हाई जाएगी वेवलेंथ उतनी नीचे आएगी ठीक है मतलब जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी को आप लोअर करेंगे वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाएगी तो वेवलेंथ इसकी होती है वन मिलीमीटर से लेके सेवन सेवेंटी तक तो इससे आप अंदाजा लगा लें इंतहाई शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड जो है वो यूज होता है ये जो है वॉल्स को बिल्कुल नहीं पेनिट्रेट कर सकते वॉल्स को क्रॉस कर ही नहीं सकते तो इसका ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफी इसका एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर एक जगह पे या दो अलग अलग रूम्स में हम लोग इंफ्रारेड को यूज भी कर रहे हैं तो इनका आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि वॉल ही पेनिट्रेट नहीं कर पाते ये लोग शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम इन वन रूम कैन नॉट बी एफेक्टेड अनदर सिस्टम इन द नेक्स्ट रूम वेन वी यूज अवर इंफ्रेड रिमोट कंट्रोल जैसे हम लोग टीवी का रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं तो हम लोग अगर किसी और कमरे में भी टीवी लगा हुआ है तो उसके साथ इंटरफेयर वो नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड रेंज कम्युनिकेशन होता है और वो रिमोट का और टीवी का आपस में होता है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इंफ्रारेड सिग्नल्स फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन अब यही ये, ये इसका एडवांटेज भी है एक लिहाज से और डिस एडवांटेज का इस लिहाज से है कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन आप कर ही नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वेवलेंथ इतनी छोटी है तो आप इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन की हम लोग आउटसाइड uh, बिल्डिंग इसके वेव्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सन रेज कंटेंट्स इन्फ्राइड वेव्स और जो सन की रेज है वो भी इन्फ्राइड वेव्स होती हैं तो दोनों इंफ्राइड फिर आपस में इंटरफेयर करेंगे कम्युनिकेशन के साथ एप्लीकेशन इसमें इंफ्राइट का जो बैंड है ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड टेराहर्ट्स का बैंड है बहुत पोटेंशियल है इसमें डाटा ट्रांसमिशन की uh, और बहुत ही वाइड बैंडविड्थ है इसकी uh, हम लोग डिजिटल डाटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं काफ़ी हाई रेट पे इंफ्रानेट डेटा एसोसिएशन इरडा एक एसोसिएशन है जो कि स्पॉन्सर करती है वेव्स को हैज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर यूजिंग सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिजेज अब ये स्टैंडर्ड डिवेलप करती है कि डिवाइस जो हैं आपके पास इंफ्रानेट को यूज कर सकें आपके पास इंफ्रानेट के की बोर्ड भी अवेलेबल हैं माउस भी अवेलेबल है पीसी अवेलेबल हैं प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं हेडफोन्स है, भी, है, भी आपके पास अब इंफ्रानेट के अवेलेबल हैं

फोर ट्रांसमिशन टू अगर इस तरह अगर आप वायरलेस की बोर्ड यूज कर रहे हैं पीसी के साथ तो आपका की बोर्ड जो है उसका रुख आपके पीसी की तरफ होना चाहिए ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके तो ये हमारे पास वायरलेस मीडिया आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने थ्री मेजर इसके एस्पेक्ट्स कवर किए हमने रेडियो वेव्स देखे माइक्रोवेव्स देखे और इंफ्रारेड वेव्स देखे तो ट्रांसमिशन मीडिया के यही दो एस्पेक्ट्स हैं एक हमारे पास गाइडेड मीडिया है और एक हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है और दोनों को हमने काफ़ी डिटेल के साथ कवर कर लिया है लेक्चर आपका यहीं पर एंड होता है कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप है आपके पास मेरी ई मेल है आप मुझसे पूछ सकते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज